विदाउट स्पीकिंग, बिन कहे बात. एवरीवन इज स्पेशल, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है. कोई खेलकूद में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, कोई चित्रकला में, तो कोई संगीत में. हर किसी में अपनी एक अलग खासियत होती है. हमें अपने अंदर छुपे उस खास गुण को पहचानना होता है. अगर हम उस विशेषता को पहचान लेते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं. पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज, विशिष्ट विशेषता वाले लोग. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर का कोई अंग अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी वे भी अपना जीवन सुचारू रूप से जी सकते हैं. जैसे ब्लाइंडनेस, दृष्टि बाधित व्यक्ति. कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, या फिर बहुत ही कम जिनको दिखाई देता है. ऐसे व्यक्ति चलने फिरने के लिए स्टिक या लाठी का सहारा लेते हैं. ये व्यक्ति भी आम व्यक्तियों की तरह पढ़ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. इस तरीके के व्यक्ति ब्रेल स्क्रिप्ट यानी कि ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं. ब्रेल लिपि में अक्षर उभरे हुए होते हैं और ये अपनी उंगलियों की सहायता से इन अक्षरों को महसूस करते हैं और पढ़ते हैं, आगे भी बढ़ते हैं. इस लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था, जो खुद भी एक दृष्टि बाधित व्यक्ति थे. लेमनेस यानी कि पंगुपन या पैरों की लाचारी. कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पैर या तो जन्म से ही ठीक नहीं होते, या फिर किसी दुर्घटना की वजह से पैर खराब हो जाते हैं. ऐसे व्यक्ति चलने के लिए बैसाखी या फिर व्हीलचेयर का यानी पहिए वाली कुर्सी का प्रयोग करते हैं. डम्बनेस म्यूट यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं सकते, जो मूक होते हैं. डीफनेस यानी ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं सकते, बधिर होते हैं. जो मूक और बधिर व्यक्ति होते हैं वे अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए हाव भाव और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं. डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस यानी कि चेहरे के विभिन्न प्रकार के हाव भाव, जैसे हैप्पी, खुश होना, सैड, दुखी होना, एंग्री, क्रोधित होना, सरप्राइज, हैरान होना, एक्साइटेड, उत्साहित होना. ये हैप्पी हैं, देखते ही पता लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं. सैडनेस, आपको इस चित्र को देखते ही समझ आ जाएगा कि ये दुखी हैं. एंग्री यानी कि क्रोध, आपको इस चित्र को देखकर लग रहा होगा कि ये क्रोध का हाव भाव है. सरप्राइज्ड यानी कि हैरान, आश्चर्यचकित होना.
जब हम किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं तो हमारे हाव भाव इसी प्रकार के बन जाते हैं। एक्साइटेड यानी कि उत्साहित होना, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत खुश होना एक्साइटमेंट कहलाता है। आपको इस चित्र को देखकर समझ आ ही गया होगा। साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। मूक एवं बधिर व्यक्ति इस सांकेतिक भाषा के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार प्रत्येक अक्षर के लिए हाथ से मुद्राएं बनाई गई हैं, जिससे कि हम उन अक्षरों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से मुद्राएं बना बनाकर ये अपनी बात दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार मूक एवं बधिर व्यक्ति अपने चेहरे के हाव भाव और इस प्रकार की सांकेतिक भाषा के द्वारा अपनी बात, अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। चलिए अब मैं आपको एक समाचार का वीडियो दिखाती हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार चेहरे के हाव भाव और इस सांकेतिक भाषा के द्वारा मूक एवं बधिर व्यक्तियों तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं और वो हमारी बात समझ सकते हैं और अपनी बातों को वो दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये वीडियो। कोरोना संकट के बीच आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी लॉकडाउन पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कल ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और बिहार के सीएम ने लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने सभी राज्यों से 15 मई तक लॉकडाउन पर सुझाव मांगे थे। अब पीएम मोदी के संबोधन में किस बात का जिक्र होगा, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। क्या पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करेंगे या फिर लॉकडाउन से एग्जिट प्लान की घोषणा करेंगे, इस पर कुछ हद तक तस्वीरें पीएम मोदी के भाषण से ही साफ हो सकती है। पीएम मोदी का कोरोना संकट के बीच ये पांचवा देश के नाम संबोधन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।